अक्सर जब आसमान में बिजली चमकती है तो हमें कहा जाता है कि आपको उस टाइम पे मोबाइल यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन ये एक मिथ है। मोबाइल के यूज करने का बिजली के गिरने से कोई लेना देना नहीं है। उसका सबसे पहला रीजन यह है कि आजकल के मोबाइलों में जो ज्यादातर कंपोनेंट्स हैं वो बिजली को अट्रैक्ट या कंडक्ट नहीं करते। दूसरा, मोबाइल रेडियो वेव पे काम करते हैं जो कि ना ही तो बिजली को अट्रैक्ट करती है ना ही बिजली को कंडक्ट करती है। लेकिन हाँ, अगर आप खुले मैदान में घूम रहे हैं और बिजली चमक रही है और अगर आपके आसपास कोई टोलेस्ट ऑब्जेक्ट नहीं है जो कि बिजली को अर्थ में जाने का रास्ता दे, तो आप पे बिजली के गिरने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं, भले आप मोबाइल को यूज करें या ना करें। तो फाइनली गाइस, अगर बिजली चमक रही है और आप घर पे या फिर कार में भी मोबाइल पे बात कर रहे हो तो मोबाइल की वजह से आप पे बिजली गिरने वाली नहीं है। इस धरती पर बरमूडा ट्रायंगल से भी खतरनाक और एरिया 51 से भी रहस्यमय एक जगह है, और ये खतरनाक और रहस्यमय जगह वेस्टर्न अमेरिका के रेनो, फ्रेस्नो और लॉस वेगास के बीच में स्थित है, और उस जगह का नाम है नेवादा ट्रायंगल। यहां से होकर जाने वाला कोई भी एरोप्लेन आज तक लौट कर वापस नहीं आया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बीते 60 सालों में इस खतरनाक जगह से 2000 से अधिक एरोप्लेन क्रैश हो चुके हैं, और ऐसा माना जाता है कि इस जगह पर कोई अदृश्य शक्ति है। यहां पर एलियंस के होने की बात भी कही जाती है। बहरहाल, सच्चाई क्या है ये तो कोई भी नहीं जानता। गाइज, आपको क्या लगता है कि ये जगह इतनी रहस्यमय क्यों है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक अगली वीडियो में।